हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने एरर्स के बारे में पढ़ा था और एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखा था। अभी हम क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि इसका यूज केमिस्ट्री में भी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ भी आई थिंक पढ़ाया भी गया होगा या आप इसके बारे में पढ़ोगे, और फिजिक्स में भी हर जगह इसका आप समझो कि पूरे फिजिक्स पूरे केमिस्ट्री जहाँ कैलकुलेशन पार्ट है, इवन मैथ्स, मैथ्स में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको सिग्निफिकेंट फिगर या राउंडिंग ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर को हम रिमूव कैसे करते हैं गिवन मेजर्ड वैल्यू में, उसके बारे में पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ये बहुत आसान है लेकिन इसका ये ड्रॉबैक क्या है कि आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे, है ना। यदि आपको रूल्स याद नहीं है तो आप सिग्निफिकेंट फिगर कोई भी मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है उसका कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो देखो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, क्या होता है कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है तो उसमें क्या होता है, एक तो उसमें क्या होगा कि डिजिट्स होंगे, है ना। कोई भी मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है तो डिजिट्स होंगे, तो उसमें क्या होगा कि कुछ जो होते हैं क्या होता है करेक्ट, आई मीन मोस्ट एक्यूरेट डिजिट्स होते हैं और अनसर्टेन डिजिट होता है। दो डिजिट से मिलकर दो पार्ट से मिलकर के क्या होता है बना होता है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि जो क्या है जितने भी क्या है मोस्ट एक्यूरेट क्या है या करेक्ट डिजिट्स है प्लस जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट या डाउटफुल जिसको हम बोलते हैं डाउटफुल डिजिट उसके एडिशन को, आई मीन नंबर ऑफ क्या होगा नंबर ऑफ मोस्ट एक्यूरेट डिजिट इन मेजर्ड वैल्यू प्लस फर्स्ट अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट इज नथिंग बट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ गिवन मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा भी है कि जैसे यहां एक एग्जांपल देख सकते हो कि लेंथ कोई भी एक रॉड हमने कंसीडर किया जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 3 क्या है एक्यूरेट या एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, या करेक्ट वैल्यू बोल सकते हैं। डाउटफुल पे क्या है 0.2 है, आई मीन 3 से क्या हो सकता है 0.2 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकता है और क्या हो सकता है 0.2 सेंटीमीटर क्या हो सकता है कम हो सकता है। तो एक कितने डिजिट है 1 डिजिट और डाउटफुल डिजिट कितने हैं एक ही है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1+1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां मैंने क्या लिखा है आपको कि इन मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स व्हिच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, आई मीन जो एक्यूरेट डिजिट्स हैं नंबर ऑफ दैट डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। वन कौन सा डिजिट होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट होना चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए यहाँ लेंथ जो दिया हुआ है लेंथ में क्या होगा लेंथ 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब 3 क्या है मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है और क्या है अनसर्टेन डिजिट डाउटफुल पॉइंट क्या होगा आपका 2 हो गया। तो 1 और 1 कितने हुए 2 डिजिट हो गया, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब क्या है कि कुछ रूल्स हैं जिसको मैंने बताया था कि आप यदि रूल्स को फॉलो करोगे तो आप आसानी से सिग्निफिकेंट फिगर क्या कर सकते हो लिख सकते हो। अब रूल क्या है कि पहला देखो, अब रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, पहला रूल एक बोलता है कि जितने भी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन मेजर्ड वैल्यू आर सिग्निफिकेंट, क्या होगा पहला कि जितने कोई मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स इन मेजर्ड वैल्यू आर सिग्निफिकेंट, आई मीन जितने कोई भी मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे आप एग्जांपल देखो तो हम एग्जांपल के लिए कंसीडर कर सकते हैं, जैसे देखो
फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी देख लो क्या है कि यहां दिया हुआ है 2, 1, 4, 5 केजी दिया हुआ है सिंपल, है ना, क्या है केजी दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू कितना है 2.14 केजी, लेंथ आप समझ लो कि लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू क्या है, तो यहां पहले देख लो, यहां देखो तो नॉन जीरो डिजिट कितना है, ये मास है, मास का मेजर्ड वैल्यू कितना है 2145, क्या है 2145, तो इसमें मेजर्ड वैल्यू में नॉन जीरो डिजिट कितने हैं 1, 2, 3, 4 कितने हैं, 4 डिजिट है, तो यहां क्या लिखेंगे, टोटल टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स इज कितना है, इज इक्वल टू कितना है 4, हेंस क्या होगा, हेंस इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, हेंस सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, लेंथ 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 एल इज इक्वल टू 1, 2, 4 सेंटीमीटर, है ना, क्या है 1, 2, 4 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है। यहां भी आप देखोगे कि नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, इसमें क्या है नॉन जीरो डिजिट्स इज इक्वल टू क्या है 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं 3 है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो क्या होगा 3 होगा, कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पहला ये रूल क्या, पहला रूल क्या है कि जितने भी क्या होंगे किसी भी मेजर्ड वैल्यू में नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे, है ना, आई मीन नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, आई मीन सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कुछ भी होगा, केवल नॉन जीरो डिजिट्स आपको देखना है। दूसरा ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूल ये बोलता है कि ऑल नॉन जीरो क्या होगा, ऑल जीरो lie between 2 non zero digits in a measured value r क्या होगा, r significant, इसका मतलब आपको समझ में आया कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है और दो नॉन जीरो डिजिट के बीच यदि जीरो आ रहा है तो वो भी क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहां जैसे एक एग्जांपल देख लो कि मास यदि दिया हुआ है m इज इक्वल टू क्या है 2014 केजी, तो यहां जीरो किस में है, किसके बीच आ रहा है, देखो 2 और 1 के बीच, आई मीन ये क्या है नॉन जीरो डिजिट है, 2 और 1 क्या है नॉन जीरो डिजिट है, तो यहां नंबर ए जो जीरो होगा वो भी क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर किया जाएगा। तो यहां टोटल हम बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू क्या होगा, इसको भी हम काउंट करेंगे, है ना, तो यहां क्या लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट प्लस नंबर ऑफ जीरो डिजिट, नंबर ऑफ जीरो ऐसे ही बोल सकते हैं। तो यहां क्या लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स प्लस नंबर ऑफ क्या होगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ देखो तो नॉन जीरो डिजिट कितने हैं यार, थ्री है, तो हम क्या लिखेंगे, थ्री प्लस क्या होगा वन, आई मीन क्या होगा फोर। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, फोर हो गए। उसके बाद एक और एग्जांपल कंसीडर कर लो आप, जैसे फोर्स दिया हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि टू जीरो जीरो फोर फाइव न्यूटन, एन स्टैंड फॉर न्यूटन। तो सिंपल यहाँ कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट कितना है थ्री प्लस नंबर ऑफ जीरो कितने है टू, आई मीन कितना हो जाएगा फाइव। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा, कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि ऑल ट्रेलिंग जीरो इन ए मेजर्ड वैल्यू आर क्या होगा नॉन सिग्निफिकेंट इफ द मेजर्ड वैल्यू डज नॉट हैव एनी डेसिमल, क्या है। तो हम यहां लिखेंगे अगला देखो कि ऑल ऑल ट्रेलिंग जीरो इन मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ इफ मेजर्ड इफ मेजर्ड वैल्यू इज विदाउट डेसिमल। ठीक है, ये ध्यान देना है कि ऑल ट्रेलिंग जीरो इन मेजर्ड वैल्यू, और इसको टर्मिनेटिंग जीरो भी बोलते हैं जो लास्ट में होता है, तो मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ मेजर्ड वैल्यू इज विदाउट डेसिमल। मेजर्ड वैल्यू कोई भी दिया हुआ है उसमें डेसिमल नहीं है, तो जितने भी ट्रेलिंग क्या होंगे जीरो होंगे वो क्या होंगे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये रूल तुमको याद रखने पड़ेंगे, यदि आपको रूल याद नहीं है तो फिर आप नहीं सॉल्व कर सकते। जैसे देखो मास इज इक्वल टू क्या 21400 केजी, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, मास इज इक्वल टू 2140 केजी, ठीक है। और देख सकते हो मास इज इक्वल टू 4 इस, ठीक है। तो यहाँ है ना, आप क्या देख सकते हो या ठीक है, इस केस में ए वन मान लो, ए टू मान लो, और ए क्या है थ्री मान लो, है ना, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या है देखो, तो ट्रेलिंग जीरो कितने हैं यार, इसको हम क्या बोलते हैं, या एक पल बाद में मैं लिखता हूँ, एक समझ जाओ, दिस इज नथिंग बट द क्या है ट्रेलिंग, ट्रेलिंग। और इस मेजर्ड वैल्यू में मास दिया हुआ है उसमें डेसिमल है क्या नहीं है ना, तो एज वाला जो दो डिजिट होगा वो क्या होगा इनसिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर, आई मीन उसमें हम जीरो को कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो टोटल नंबर अब क्या हो जाएगा, यहाँ बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर फिगर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देख लो यहाँ कि दिया हुआ है m is equal to क्या है 2000 kg। अब यहाँ क्या है ट्रेलिंग जीरो कितने हो गए, देखो ये वाला क्या हुआ ट्रेलिंग जीरो या टर्मिनेटिंग जीरो भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आई मीन सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा
फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा बता चाहिए। तो आपको क्या है ध्यान देना है, और भी एक एग्जांपल लिख देता हूं कि यदि क्या हो मेजर्ड वैल्यू के लास्ट में क्या हो जीरो हो, क्या हो एंड में जीरो हो और मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल नहीं हो, तो जीरो जो होता है वो क्या होता है सिग्निफिकेंट नहीं होता है, नॉट सिग्निफिकेंट आई मीन व्हाइल राइटिंग डाउन द क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर फॉरगेट अबाउट द जीरो, जीरो को क्या करो एलिमिनेट कर दो, आई मीन इतना लिखो इस सब का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो यार कि m इज इक्वल टू दिया 1400 दिया हुआ है 14 यहां आई मीन केजी यहां दिया हुआ है m इज इक्वल टू 140 केजी और यहां दिया हुआ है 14 केजी, इन सब का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना होगा सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, फिगर्स कितने होंगे यार 2 होंगे, कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2 होगा। तो याद रखना है कि ट्रेलिंग 0 होगा, लेकिन कंडीशन क्या है देयर शुड नॉट बी एनी डेसिमल, यदि डेसिमल हुआ तो फिर क्या होगा झोल हो जाएगा, है ना, फिर क्या होगा झोल होगा, ये रूल जो है क्या होगा वहां वैलिड नहीं होगा, उसके लिए हम अलग देखेंगे। तो पहला हमने क्या रूल देखा था कि जितने भी क्या होंगे नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं किसी भी मेजर्ड वैल्यू में। दूसरा हमने देखा था कि जीरो लाई बिटवीन क्या होगा नॉन जीरो डिजिट इन अ गिवन मेजर्ड वैल्यू आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, है ना, उस केस में हमने देखा था कि टोटल आई मीन सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स प्लस नंबर ऑफ जीरो डिजिट्स। थर्ड जो रूल है वो क्या है कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू में ट्रेलिंग जीरो नॉट सिग्निफिकेंट होगा कब, जब क्या होगा उस मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल नहीं होगा, क्या होगा उस मेजर्ड वैल्यू में क्या होगा डेसिमल नहीं होगा। इसके बाद वाला क्या है, अब फोर्थ रूल देखो क्या है, कि ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ, क्या होगा ऑल ट्रेलिंग और टर्मिनेटिंग जीरोस आर जीरो इन, ऐसे लिखेंगे ऑल ट्रेलिंग और टर्मिनेटिंग जीरोस इन, क्या होगा इन मेजर्ड वैल्यूज मेजर्ड वैल्यू आर सिग्निफिकेंट इफ मेजर्ड वैल्यू हैव डेसिमल, इफ देयर इज, ऐसे लिख सकते इफ देयर इज ए डेसिमल इन मेजर्ड वैल्यू मेजर्ड। ये बात आपको समझ में आई कि कोई भी यदि मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ उसमें डेसिमल है तो जितने भी ट्रेलिंग जीरो होंगे वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे, क्या होंगे ट्रेलिंग जीरो जो होगा वो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे एग्जांपल देख लो कि यहां फोर्स इज इक्वल टू एफ स्टैंड फॉर फोर्स क्या होगा 1.200 न्यूटन, है ना, मास क्या दिया हुआ है यहाँ m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1.000 केजी, ठीक है। तो देखो यहाँ ए वाला जो है वो क्या है ट्रेलिंग जीरो, यहां भी क्या है दिस इज नथिंग बट द क्या है ट्रेलिंग। अब देखो इस मेजर्ड वैल्यू में क्या है यार डेसिमल है, तो ट्रेलिंग जीरो जो होगा वो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा, है ना, आई मीन व्हाइल राइटिंग डाउन द क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स हम क्या करेंगे नॉन जीरो प्लस क्या लिखेंगे अगेन क्या करेंगे हम ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट प्लस नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इज नथिंग बट द सिग्निफिकेंट। तो यहां इस केस में आपसे कोई पूछे कि दोनों केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो आप यहां बता सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका और एग्जांपल देख लो यार, है ना, कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1.40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना। यदि आप लेंथ देखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ l इज इक्वल टू 1.02 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। यहां आप देखोगे, यहां क्या है, ऐसे दिया हुआ है, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर ही। इस केस में दोनों में क्या होगा, दोनों में जो होगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ क्या है, ट्रेलिंग जीरो है, लेकिन क्या है, डेसिमल है, तो इसको सिग्निफिकेंट में, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट प्लस टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, तो कितना हो जाएगा, 2+1, 3, ये क्या हो जाएगा, 1.02, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3। ठीक है, तो ये क्या है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला जो रूल है वो क्या है, उसको भी आपको ध्यान देना है कि अगला जो पॉइंट है ना, रूल फिफ्थ, ठीक है, कीप द मेजर्ड वैल्यू हैव डेसिमल, कीप द मेजर वैल्यू हैव, क्या होगा, अब यहां लिखेंगे ऑल जीरोस, है ना, इफ यहां लिखेंगे इफ मेजर्ड वैल्यू इज, क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1, लेस देन यूनिटी, दैट इज क्या होगा, 1, लेस देन यूनिटी, देन क्या होगा, then all zeros left of first non-zero digit non-zero digits are not significant, not significant। ये आपको समझ में आया कि मेजर्ड वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। उस केस में क्या होगा कि 1 से जब छोटा होगा तो जो भी क्या है जीरोज हैं, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैं, तो क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, उनका सिग्निफिकेंट फिगर में कोई यूज नहीं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है, कि यहाँ दिया हुआ है कि पॉइंट है ना 693, है ना, यहाँ दिया हुआ है पॉइंट 069, क्या होगा, 3, कोई वैल्यू दिया हुआ है, ये मान लो कि क्या दिया हुआ है, केजी दिया हुआ है, ऐसे यहाँ भी केजी दिया हुआ है ना, यहाँ और भी दिए हैं, देखो ध्यान से, 0.00693, तो ये क्या है, सब जो नंबर है क्या है, 1 से छोटा है यार, क्या है, सभी नंबर जो है वो क्या है, 1 से छोटा है, है ना, क्या है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी लेफ्ट जितने भी जीरोज हैं वो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ देखो तो 6 के पहले एक जीरो हमने ये कंसीडर किया था, इस इनसिग्निफिकेंट, ये भी क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट, ये, तो इस केस में, इन तीनों केस में क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स is equal to क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो क्या होगा, 3 हो जाएगा, समझ में आया ना, कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 3 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, माइंड में रखना। अगला जो पॉइंट है ये क्या है कि यदि क्या होगा, इफ द मेजर्ड वैल्यू इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ इन
इन द पावर ऑफ 10, क्या होगा, इन पावर ऑफ क्या होगा, 10। तो देखो यहां हम लिखेंगे, अगला जो रूल है वो क्या है, इफ मेजर्ड वैल्यू इज गिवन इन टर्म ऑफ पावर ऑफ क्या होगा, 10। देन पावर ऑफ 10, देन क्या होगा, देन पावर ऑफ, पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, आप जानते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, 9.1 × 10⁻³⁻¹ के जी होता है, होता है ना यार। तो ये वाला जो पावर होगा ये क्या होगा, ये 10 का पावर के टर्म है, 10 के पावर, तो ये क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। दिस, इसका सिग्निफिकेंट फिगर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, दिस विल बी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो ये जो होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां आपसे कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, कितना होगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 होगा, है ना। उसी तरह क्या है, मास, आपको प्रोटॉन भी मालूम है, मास ए, इसलिए कि तुमको याद भी हो जाए, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोग पढ़े हो। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 × 10⁻², क्या होगा, -27 केजी। अभी मत बोलना कि सर 1.66 होता है, जस्ट ए राउंडिंग अप, अभी हम पढ़ेंगे तो तुमको समझ में आएगा कैसे लिखते हैं, या 1.6 भी लिख देते हैं, है ना। अब देखो अगेन क्या है, पावर ऑफ 10 जो है क्या होगा, ए वाला क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहां क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट जो पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है, तो यदि क्या होगा, स्टैंडर्ड नोटेशन भी है, अभी हम देखेंगे इसको, इसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक आपको और पॉइंट याद रखना है कि क्या होगा, इफ द मेजर्ड वैल्यू इज कन्वर्टेड फ्रॉम द वन यूनिट टू क्या होगा, अनदर यूनिट, देन सिग्निफिकेंट फिगर विल नॉट चेंज। यदि मेजर्ड वैल्यू को हम क्या करें, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दें, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आया बात, फिर से सुनो ध्यान से, कि यदि कोई भी मेजर्ड वैल्यू दिया, आई मीन लेंथ सेंटीमीटर में सिग्निफिकेंट माप, सिग्निफिकेंट फिगर लेंथ का जो है क्या, 2 है, तो आप उसको मीटर, किलोमीटर, किसी में कन्वर्ट कर दो, ऑलवेज क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 2 ही रहेगा। तो यहां याद रखना है कि अगला जो क्या है रूल, क्या है, 5th जो रूल है वो क्या है, 7th रूल जो दिया हुआ, सेवन हुआ, इफ मेजर्ड वैल्यू इज, है ना, इफ मेजर्ड वैल्यू इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, देन सिग्निफिकेंट फिगर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, विल क्या हो गया, विल रिमेन
ये याद रखना है। जैसे देखो सर, सिंपल यहाँ दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, है ना। इसको हमने क्या लिखा यार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यार, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 into क्या लिखेंगे, 10^2 क्या लिखेंगे इसको, 1 मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 हमने क्या किया कि 10 से क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, ये मीटर हो जाएगा यार, ये कितना हो जाएगा 1, ये मीटर हुआ, समझ में आया ना। हमने क्या किया, 10^3 से मल्टीप्लाई और 10^3 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, ये सेंटीमीटर, और इसको हमने क्या लिखा, यहाँ लिखोगे 1 into 10^-3 क्या होगा, किलोमीटर, ठीक है। तो इस सब में क्या होगा, आप ध्यान से देखोगे कि सब में क्या है, जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 1 है। क्या है सिग्निफिकेंट, ठीक है, कोई भी आप ये कर सकते। तो यहां देखो 1 यूनिट से अदर यूनिट में जब आप कन्वर्ट करोगे तो जो क्या होगा आपका, क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एग्जांपल आप देख सकते हो, देखो मास जैसे दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना, m इज इक्वल टू 2214 ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मान लो ग्राम दिया हुआ है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। अब इसको हमने क्या किया, क्या किया, क्या किया, केजी में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, क्या किया, केजी में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 214 into क्या हो जाएगा, 10^-3 केजी, सही है। अरे ये केजी है ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब फिर कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी देखो क्या है, ये जो पावर होता है क्या होता है, नॉट सिग्निफिकेंट, तो यहां इन दोनों केस में देखोगे क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, हमने ये गलत लिख दिया क्या, हमने वहां गलत लिख दिया क्या, नहीं सही है, तो 100 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमने लिख दिया 100 ग्राम इक्वल टू, है ना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इतना आंसर है। अब इसके बाद एक और याद रखना है, कोई भी एग्जैक्ट नंबर हो, क्या हो, एग्जैक्ट नंबर होगा तो उसका जो क्या होगा, उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगला जो रूल है वो क्या है, 7 की एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर, क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट हमने 1, ठीक है। अरे यार यहां मीटर लिखना चाहिए ना, सॉरी, तो हम इस हमने ऐसे, अरे यार हमने यहाँ क्या लिख दिया, सॉरी
ये गलत है यार, ठीक है, यहाँ ए केवल लिख लेना, वो गलत मैंने केजी लिख दिया था, ठीक है। तो इसके बाद एग्जैक्ट जो नंबर होगा क्या होगा, उसमें इन फिगर जो होंगे क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, याद रखना है। जैसे मैं बोलूं 10 ऑरेंज, है ना, 10 पेन्स, इस सब में जो है क्या होगा, इनफाइनाइट फिगर जो होगा क्या होगा, आई मीन 10 ऑरेंज, 10 क्या होंगे। उसके बाद आपसे कोई पूछे कभी कि पाई इज इक्वल टू क्या होगा, 22/7, तो इस सब में जो होगा क्या होगा, यहां लिख देता हूं 22/7, है ना। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इज क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, है ना, क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये चीज क्या है, आपको ध्यान देना है, है ना, क्या है, ध्यान देना है कि हम कैसे लिखेंगे इसको, है ना, क्या है ये चीज ध्यान है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर इन द सम एंड डिफरेंस ऑफ क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, और क्या होगा, सम एंड डिफरेंस ऑफ क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू एंड क्या होगा, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू। तो अगला जो क्या है इसमें, ये फर्स्ट है कि रूल हम, उसके बाद हम यहां लिखेंगे अगला जो क्या होगा, इट कि फाइंडिंग ऑफ क्या होगा, फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर इन क्या होगा, सम एंड डिफरेंस डिफरेंस ऑफ मेजरमेंट, तो यहां एक चीज याद रखना है क्या कि क्या होगा, लेट, है ना, हमने मान लिया कि लेट क्या होगा, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन मेजर्ड वैल्यूज, आई मीन जो भी मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है ना, उसमें क्या है, एक्स बी द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन द मेजर्ड वैल्यू, देन क्या होगा, देन सम एंड डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, आई मीन देन रिजल्टेंट मेजर्ड वैल्यू, रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, सम एंड डिफरेंस, आई मीन सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद जो वैल्यू, देन क्या लिखेंगे, देन रिजल्टेंट मेजर्ड वैल्यू हैव एक्स नंबर ऑफ डिजिट, क्या होगा, एक्स नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर, क्या होगा, आफ्टर डेसिमल, ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर क्या होगा, डेसिमल, क्या होगा, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल,
इन द मेजर्ड वैल्यूज, देन क्या होगा रिजल्टेंट मेजर्ड वैल्यू। रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा कि उस डिजिट को सम और एड करके क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर क्या होगा एडिशन। जैसे एक एग्जांपल देखो, इसको ये समझ में इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां जैसे कि दिया हुआ है कि फाइंड क्या है, फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे देखो 2.4 प्लस 8.6 प्लस 9.14। अब देखो ये क्या होगा, इसमें देखो क्या है, मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ, जस्ट इसमें तुमसे कोई पूछे कि इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो ये बताना है। तो जब आप ऐड करोगे तो ये कितना होगा, देखो तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना होगा, मान लो कि हमने इसको वाई मान लिया, एस मान लिया एस, तो एस इक्वल टू कितना होगा, एस इक्वल टू देखो 4 है ना, 1677 और 4 कितना हो जाएगा 11, 1 और 2 है ना, 9 और 8 कितना होगा 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 1 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 20, ये समझ में आया ना। देखो 4 6 1 7 7 और 4 11 1 उसके बाद 9 और 8 17 17 टू 91। अब देखो क्या है, इसमें देखना है कि स्मॉलेस्ट इस मेजर्ड वैल्यू क्या है, ये वाला मेजर्ड, ये सब मेजर्ड वैल्यू है। तो गिवन मेजर्ड वैल्यू में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिजिट जो है जितना होगा उतना ही जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें क्या होगा डेसिमल के बाद डिजिट होगा। तो देखो इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट कितना है डेसिमल के बाद 1 है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। हम इसको क्या लिखेंगे 20 पॉइंट क्या लिखेंगे मान। तो यहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाए, सिग्निफिकेंट फिगर फिगर्स कितना होगा 3 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद एक और एग्जांपल, जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन का बताया आपको, जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे जे y इक्वल टू दिया, देखो y इक्वल टू दिया हुआ, एग्जांपल सेकंड देख लो कि 1.468 माइनस है ना क्या है, या 2 पॉइंट माइनस 1 पॉइंट, चलो केजी लिख लेते हैं, माइनस क्या है 1.23 केजी। सब्ट्रैक्ट करो यार, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको कितना मिलेगा, देखो 8321। अब इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि मिनिमम, देखो इस एक्सप्रेशन जो दिया मेजर्ड वैल्यू है, क्या देख रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है डेसिमल के बाद कितना है उतना ही फाइनल रिजल्ट में क्या होना चाहिए डेसिमल के बाद डिजिट राइट साइड क्या होना चाहिए डिजिट होना चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल क्या होना चाहिए इतना ही। तो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट मिनिमम है यार, यहाँ 2-3 है और 3-2 है और यहाँ क्या है 6 है, तो लिस्ट कितने हुए मिनिमम कितना हुआ 2, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट होना चाहिए, 2 ही डिजिट होना चाहिए। तो आगे हम पढ़ेंगे, अभी राउंडिंग ऑफ नंबर पढ़ेंगे। तो ये क्या है 5 से बड़ा है, तो जब इसको हटाओगे तो इसके पहले वाले डिजिट को हम क्या करेंगे 1 से बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 24 केजी हो जाएगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर ये नहीं, ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगेंट फिगर्स फिगर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपको क्या है। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है ये राउंडिंग ऑफ, अभी नंबर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें कुछ नहीं है, 2 पॉइंट लिखना है। अगला जो रूल है क्या कि सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन ऑफ एंड फाइंडिंग सिग्निफिकेंट
फिगर्स इन क्या होगा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन डिवीजन ऑफ क्या होगा ए नंबर डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू मेजर्ड वैल्यूज तो यहां क्या होगा लिखना क्या है देखो कि तो यहां क्या है यहां लिख लें कि क्या होगा नंबर ऑफ डायरेक्ट लिखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर इन रिजल्टेंट मेजर्ड वैल्यू इन रिजल्टेंट मेजर्ड वैल्यू इज सेम एज मिनिमम मिनिमम या स्मॉलेस्ट है ना या मिनिमम मिनिमम सिग्निफिकेंट मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इन गिवन मेजर वैल्यू इन गिवन मेजर्ड वैल्यू इन गिवन मेजर्ड जैसे एग्जांपल देखो कि क्या है तो यहां नंबर क्या दिया हुआ है कि मान लो कि ये पी मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट 2.3 इनटू ये मान लो मीटर दिया हुआ है इनटू 1.46 या 1.46 मीटर है ना तो आपसे कोई पूछे कि ये जो प्रोडक्ट होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट यहां मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर आप मल्टीप्लाई कर लेना सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना इन क्या होगा इन पी इज कितना हो जाएगा इज देखो इसमें कितना है सिग्निफिकेंट फिगर कितना है दो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर दो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है थ्री है तो मुझे मिनिमम कंसीडर करना है तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा टू होगा कितना होगा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा टू होगा जैसे देखो एक और एग्जांपल देख लो दूसरा देखो कि 1.4 केजी आई मीन 1.4 केजी इनटू क्या होगा 2 केजी सिंपल तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें दो है और इसमें क्या है यार वन तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हो जाएगा जो पी में पी में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर फिगर फिगर्स इन क्या होगा पी इज कितना हो जाएगा इज ठीक है एक सिग्निफिकेंट मिनिमम जो इतना सिग्निफिकेंट फिगर हो वही हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं ठीक है उसके बाद यहां पढ़ेंगे अगला जो पॉइंट है वो क्या है राउंडिंग ऑफ पढ़ लेते हैं है ना राउंडिंग राउंडिंग ऑफ ए क्या होगा डिजिट इसमें भी क्या है कुछ रूल है आपको क्या करना है कुछ आपको भी रूल इसमें कुछ याद रखने पड़ेंगे है ना तो देखो क्या है पहले क्या है कि इफ क्या है मान लो कि मुझे जो डिजिट राउंड अप करना है यहाँ 5 स्टैंडर्ड कंसीडर किया गया है कि डिजिट क्या होगा 5 से बड़ा होगा छोटा होगा और 5 पे क्या होगा इक्वल होगा तो यहाँ पहला जो क्या है कि इफ देखो क्या है इफ इफ डिजिट
to be rounded off is क्या होगा is greater than 5. I mean जिस डिजिट को हम क्या कर रहे हैं राउंड अप कर रहे हैं, राउंड अप करने का मतलब उसको रिमूव कर रहे हैं, तो यदि क्या हो 5 से ज्यादा हो तो उसके पहले वाले डिजिट को क्या करना है, क्या करना है, एक से क्या करना है, बढ़ा देना है. देन क्या करेंगे, देन इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज ग्रेटर देन 5 देन डिजिट क्या होगा, देन डिजिट बिफोर इट इज इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड बाय क्या होगा 1. आई मीन यदि क्या होगा, इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज ग्रेटर देन 5 देन डिजिट बिफोर इट इज इंक्रीज्ड बाय क्या होगा. जैसे देखो यहां दिया हुआ है, यस आई मीन दिया हुआ है 2.456. अब मुझे क्या करना है, 6 को क्या करना है, हटा देना है, राउंड अप करना. तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है क्या, तो जब इसको हटाएंगे तो इसके पहले वाला आई मीन लेफ्ट जो डिजिट है उसको क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे. तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2.4 क्या लिखेंगे 6. अगेन यदि मुझे इस अगेन ए 6 को हटाना है तो देखो ए 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको हटा करके हम क्या लिख सकते हैं 2.5. जो हटाएंगे यदि 5 से बड़ा डिजिट होगा तो उसको हटाने के बाद उसके पहले जस्ट पहले जो डिजिट है उसको क्या करेंगे, 1 से हम क्या करेंगे, इंक्रीज करा देंगे. तो ये कितना हो गया 2.5. तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या, ये दिया रहेगा कि क्वेश्चन में आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, राउंड अप करना रहता है. ठीक है, तो पहला. दूसरा क्या है कि इफ बी में क्या है कि इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज क्या होगा लेस देन 5 देन डिजिट बिफोर इट will remain unchanged. I mean change नहीं होगा. जैसे example देख लो कि 2.452. अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे 2 हटाना है ना, क्या है राउंडिंग अप करते हैं. तो 2 जब हटाओगे तो 2 क्या है, 5 से क्या है, 5 से क्या है, छोटा है. तो 5 से छोटा है तो इसको हटाने के बाद हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जस्ट इसको रिमूव कर देंगे और डिजिट जो मेजर्ड वैल्यू है उसको ऐसे ही लिख देंगे. तो ये कितना हो जाएगा 2.4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो 4, 5, 6, 3. अब मुझे 3 राउंड अप करना है यार. तो 3 क्या है, 6 से क्या है, सॉरी 3 क्या है, 5 से छोटा है. तो इसको हटाने के बाद इसके लेफ्ट जो डिजिट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम क्या लिखेंगे 4.56. अब देखो यहाँ इसको और हटा सकते हो, 6 क्या है, 5 से बड़ा है यार. तो जब 6 को हटाएंगे तो इसके पहले वाले डिजिट को क्या करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे. ये कितना हो जाएगा 4.6 हो जाएगा. यहाँ भी आप कर सकते हो, देखो ये 6 क्या है, 4 से क्या है, सॉरी 6 क्या है, 5 से बड़ा है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 5 से बड़ा है. तो इसको जस्ट पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो सेकंड रूल है, आई मीन क्या होगा, 5 से यदि बड़ा होगा तो उसको हटाने के बाद उसके लेफ्ट वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे. यदि 5 से छोटा होगा तो उसको हटाने के बाद उसके जो लेफ्ट जो डिजिट है उसको हम क्या करेंगे, अनचेंज रखेंगे. ठीक है, अब आता है कि यदि 5 हो, इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, सी क्या है, सी में देखो कि इफ डिजिट्स आई मीन डिजिट टू बी रिमूव, ऐसे लिख देते हैं रिमूव्ड इज क्या है 5
अब इसमें दो केस होंगे, क्या होगा डिजिट टू बी रिमूव्ड इज क्या होगा 5, देन क्या होगा देन द नंबर जस्ट बिफोर इट है ना, क्या होगा देन ई में क्या होगा डिजिट या डिजिट बिफोर इट विल क्या होगा रिमेन, विल रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड इफ इट इज इवन बिफोर इट विल रिमेन अनचेंज्ड इफ इट इज क्या होगा इवन, और दूसरा क्या होगा डिजिट बिफोर इट विल इंक्रीज, इंक्रीज्ड विल इंक्रीज बाय क्या होगा वन इफ इट इज क्या होगा इट इज ऑड, यदि क्या होगा 5 नंबर को आपको हटाना है तो 5 से पहले यदि इवन नंबर है, ठीक है क्या है 5 से पहले इवन नंबर है तो वो डिजिट जो इवन जो डिजिट है वो कभी क्या होगा इवन नंबर चेंज नहीं होगा, यदि ऑड है तो 5 हटाने के बाद क्या करेंगे 1 से क्या करेंगे इंक्रीज करा देंगे। जैसे देखो अगला जो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ कि दिया हुआ है मास दिया हुआ है क्या है 1.45 केजी, अब यहां मुझे क्या करना है 5 हटाना है, क्या करना है 5 रिमूव, 5 से पहले कौन सा डिजिट है इवन है ऑड है, ऑड है इवन है, तो इवन है तो जब इसको राउंड अप करेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे कोई चेंज नहीं होगा 1.4 केजी। यहां देखो एम जो दिया हुआ है क्या 1.35 केजी है, तो यहां 5 राउंड अप करना है मुझे, तो 5 से पहले क्या है 3 है और 3 क्या है ऑड है, तो ऑड को क्या करना है 1 से क्या करना है इंक्रीज कर देना, तो यहां क्या लिखेंगे 1.4 केजी, ठीक है क्या करेंगे वन। और एग्जांपल देख लो, यदि m इक्वल टू क्या दिया 1.95 केजी दिया हुआ है या 85 केजी दिया हुआ है, तो यहां देखो 5 से पहले वाला जो डिजिट है वो क्या है इवन है, तो हम क्या लिखेंगे इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे 1.8 केजी, इवन होगा तो क्या करेंगे कोई चेंज नहीं करेंगे, ऑड होगा तो एक से क्या करेंगे इंक्रीज करा देंगे। उसके बाद आता है जनरली क्या होता है आप देखेंगे तो यही क्या हुआ राउंडिंग ऑफ ये डिजिट, आई मीन किसी भी डिजिट को गिवन मेजर्ड वैल्यू से हम कैसे रिमूव करते हैं उसके बारे में ये। तो हमने क्या चीज यहाँ कंसिडर किया है 5 को क्या माना है स्टैंडर्ड माना है, क्या है 5 को स्टैंडर्ड माना है, और देखा कि 5 से यदि कोई भी बड़ा डिजिट को रिमूव करना है तो क्या करो उससे पहले जो डिजिट आप रिमूव कर रहे हैं उससे पहले वाले डिजिट को 1 से क्या करो बढ़ा दो, यदि 5 से छोटा की कोई डिजिट है उसको रिमूव कर रहे हो तो क्या करो आप उसको उस रिमूव करने के बाद जो उसके पहले वाला डिजिट होगा अनचेंज्ड होगा, यदि 5 को ही रिमूव करना चाहते हो तो उसके पहले यदि क्या होगा और डिजिट होगा तो उसको 1 बढ़ा दो, यदि उससे पहले क्या होगा इवन डिजिट होगा तो क्या होगा रिमेन अनचेंज्ड होगा। अब अगला जो हम पॉइंट देखेंगे वो क्या है ऑर्डर इन क्या है मैग्नीट्यूड, क्या है ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड, तो उसको हम कल इसके बाद वाले लेक्चर में उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ओके थैंक यू।